माय स्लाइड इज विजिबल टू यू एवरीवन। यस मैम। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इंट्रोडक्शन करेंगे आज, और आपका हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल क्या वेलफेयर होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं कोई बताएगा? माइक्रोब्स क्या होते हैं कोई बताएगा? एनीवन? मैम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आईज। अच्छा, विच कैन नॉट विजिबल विथ नेक्ड आईज। ओके, एनीवन क्या करते हैं ये माइक्रोब्स? क्या करते हैं ये माइक्रोब्स आपके? माइक्रोब्स क्या है? कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, और ये क्या होंगे आपके? ये हमेशा ऐसा नहीं होता, एक माइंड सेट होता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, माइक्रोब्स की बात आती है, तो हमें क्या लगता है कि दैट दे ऑल आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। लेकिन क्या होता है, आपका जो ये सारे माइक्रोब्स होते हैं ना, इनको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कुछ तो वाकई ऐसे जो डिसीज कॉजिंग करते हैं, ठीक है, पैथोजेंस होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा कॉज करेंगे जो हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल हो। बट देर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स हमारे आसपास पाए जाते हैं और जिनसे हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, फ्रेंड्स हैं हमारे, जो एनिमी नहीं है, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें फाइंड आउट करते हैं हमारे आसपास, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे आसपास या हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं जो हमें क्या होती है, ऑप्टेन होती है। तो हम यहाँ पे इस सेक्शन में माइक्रोब्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिसीज से रिलेटेड नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे। इस पूरे सेक्शन में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि माइक्रोब जो है वो ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर दैट मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं। वॉइस क्लियर है मेरी सबको? यस मैम। चलो ठीक है, तो ये देखते हैं कि माइक्रोब जो है वो किस किस फील्ड में और किस किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला, तो अगर मैं सेक्शन डिवाइड करूं आपका, तो माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटी में क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड एक्टिविटी क्या है आपकी? जो आप घर में चीजें कर रहे हो वो। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दूसरा, अगर माइक्रोब्स की बात की जाए तो क्या होते हैं आपके माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल लेवल पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या मतलब है? जब हम किसी चीज की कल्चरिंग कर रहे हैं, किसमें? बायोफर्मेंटर, याद है सबको? बायोफर्मेंटर याद है? यस मैम। तो वहां क्या करते थे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाते थे, लार्ज स्केल पे। तो जब हम कभी भी लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोडक्शन करवा रहे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वेलफेयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, बायोगैस। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बायोगैस क्या है आपका, जो क्या करते हैं हम किसी भी रॉ मटेरियल से यहाँ पे लेकर के क्या करते हैं, फ्यूल जनरेट करवाते हैं। तो यहाँ पे भी माइक्रोब्स का क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो जो रॉ मटेरियल आपका हम ले रहे हैं वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा बायोगैस में। ठीक है, फिर बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट क्या है आपका, एक माइक्रोब की हेल्प से दूसरे माइक्रोब की एक्टिविटी को क्या करना, एक माइक्रोब की हेल्प से दूसरे आपका जो माइक्रोब है उसकी एक्टिविटी को हैंडल करना। ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोक देना या ग्रोथ को सप्रेस कर देना, क्या कहलाता है आपका, बायो कंट्रोल एजेंट। क्या कहलाता है आपका, बायो कंट्रोल एजेंट। दैट मीन्स ये क्या करेगा, एक माइक्रोब, आपको वो याद है बीटी कॉटन क्या हो रहा था वहां पे? बीटी कॉटन में क्या हो रहा था, एक इंसेक्ट था जिसको हम क्या कर रहे थे, बीटी जीन की हेल्प से क्या कर रहे थे, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इसका एग्जांपल है बायो कंट्रोल एजेंट का, क्योंकि हमारी जो कॉटन थी उसको ये क्या कर रहा था, हार्मफुल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क कर रहे थे। दैट मीन्स एक माइक्रोब था हमारा
बैसिलस थ्रिनोजिनेसिस, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, जो कॉटन बॉल का वॉर्म था उसको क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे, ठीक है। फिर एज अ बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ आपका बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज किया जाता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है आपके, माइक्रोब्स की हेल्प से फर्टिलिटी को जो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना सबसे पहला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, कौन सा, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड। नोट सब लोग इसके बना लेना, बिकॉज ये आपका ना एनसीईआरटी की ही लाइंस के नोट्स होंगे और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगर हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड में जाते हैं इस सेक्शन पे, तो सबसे पहले जो, अगर मैं आपको ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूंगी, विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्या है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या होता है बेटा आपका, ये क्या है, अग्रोप ऑफ बैक्टीरिया, ये है क्या आपका एक्चुअल में, अग्रोप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, क्या है ये आपका, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। मतलब ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया नहीं है, ये पूरे बैक्टीरिया का ग्रुप है, जो करता क्या है आपका, इट कैन कन्वर्ट द मिल्क, ये क्या करेगा आपके मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू लैक्टिक लैक्टिक एसिड, किसमें कन्वर्ट कर देगा, मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोल रहे, किसी ने कुछ कहा क्या, एग्जाम्पल इसका क्या है, लैक्टोबैसिलस, इस ग्रुप के एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल है आपका, लैक्टो बैसिलस, ठीक है, लैक्टो बैसिलस इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रोसेस क्या करता है, देखो मिल्क क्या होता है आपका, मिल्क की बात करें तो मिल्क है क्या, मिल्क है क्या बेटा, बता दो जल्दी से, मिल्क पता है क्या होता है आपका, क्या क्या चीजें होती है मिल्क में, मेनली जो होता है आपका वाटर होता है, और क्या होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो ये सब क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, किस फॉर्म में, इमल्शन फॉर्म में, तो मिल्क है क्या आपका, इमल्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने मिल्क लिया और क्या किया, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इसका इनोकुलम लिया, इनोकुलम क्या होता है, घर में दही जमाते हो, घर में दही जमाते हुए देखा होगा कि मिल्क में क्या करते हैं, अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कर्ड डाला जाता है, ठीक है, विच इज इनोकुलम, आ रही है बात समझ में, इनोकुलम क्या है आपका, जो आप जब दही घर में बनाते हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा दही डाला जाता है मिल्क में, उसको हम यहाँ पे साइंटिफिकली क्या बोल रहे हैं, इनोकुलम। अब ये करेगा क्या, मिल्क में डाल दिया लैक्टो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये वर्क किस पे करता है आपके, शुगर पे, किस पे वर्क करता है, जो लैक्टोज शुगर पाई जाती है मिल्क पे उस पे वर्क करता है, तो क्या करेगा, किसको कन्वर्ट करेगा, शुगर को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, किसको कन्वर्ट करेगा, शुगर को कन्वर्ट करेगा, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, शुगर को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, क्या कन्वर्ट कर रहा है, शुगर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और किसको कर रहा है, लैक्टिक एसिड को कर रहा है, करता क्या है, क्यों कन्वर्जन हो रहा है, देखो मिल्क जो होता है हमारा वो क्या होता है, अगर फुली डाइजेस्टेड होता है, ध्यान से सुनना, फुली डाइजेस्टेड होता है तो क्या होता है कि जैसे आपका जब दूध फट जाता है जिसको बोलते हो, ठीक है, तो क्या देखते हो, पानी अलग सेपरेट हो जाता है आपका, और जो छेने वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, उसका प्रेसिपिटेट अलग हो जाता है, वो आपका फुली डाइजेस्टेड मिल्क हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, मिल्क जो होता है वो कैसा होता है, मिल्क का जो प्रोटीन होता है विच इज पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड करवा क्या रहा है बेटा आपका, लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्टेड करवा रहा है, पार्शियली मतलब हाफ डाइजेस्टेड हो रहा है, ठीक है, फुली डाइजेस्टेड नहीं हो रहा है, पार्शियली क्या करवा रहा है ये,
डाइजेस्टेड करवा रहा है मिल्क प्रोटीन। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि क्या चल रहा है यहाँ पे फिनोमिना। अब देखो ये क्या करेगा आपका, और ये मिल्क कैसा हो जाएगा आपका, कोगुलेटेड हो जाएगा। मिल्क कैसा हो जाएगा अब आपका, कोगुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, विच इज अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो किस में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया आपका। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये मिल्क किस में चेंज हो गया आपका, कर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, क्या हुआ है ओवरऑल प्रोसेस में, आपके मिल्क को लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इनोकुलम दिया, उसका जो आपका लैक्टोज शुगर था वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया प्रोटीन, एंड कर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, अभी अगर बात किया जाए तो ये जो आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं आपके, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। ठीक है, ये कैसे ग्रो होते हैं आपके, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनका क्या होता है, जो ग्रो करने की कैपेसिटी है वो होती है। इसीलिए ठंड में क्या होता है, दही जमाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, हल्का सा डाउन रहता है। अब इसके फायदे क्या हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है, माइक्रोब से इसने कर्ड को चेंज कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, चेंज कर दिया तो कुछ बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं, तो कर्ड के कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे, तभी वो हमको वेलफेयर में काम कर रहा है। तो पहला बेनिफिट तो क्या है, ये याद रखना, क्या पाया जाता है पता है किसी को, कि कर्ड में पाया क्या जाता है, यस, कर्ड में क्या पाया जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व इज प्रेजेंट, ठीक है, एसेंशियल आपका विटामिन है। तो एक तो फायदा ये हो गया कि भाई विटामिन बी ट्वेल्व पाया जा रहा है। दूसरा फायदा क्या होगा आपका, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कहाँ, आपके स्टमक में या गट में, उनको क्या करता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, क्या करता है, और जो आपका एसिड रिफ्लक्स बनता है इंटेस्टाइन में, उसको भी क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, बोला जाता है ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो दही चीनी खा के जाओ, बोलते हैं ऐसा, तो वो इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है वहां पे, जो अगर आपको एंजाइटी से क्या होता है, समटाइम कुछ ना कुछ स्टमक में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो एसिड रिफ्लक्स को बैलेंस करेगा, और चीनी पड़ी हुई है तो आपके ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन कर देता है। ठीक है, तो काम क्या कर रहा है आपका, प्रिवेंट कर रहा है किसको, ग्रोथ हो हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, तो फायदा हुआ इसका, आपने प्रीबायोटिक्स का नाम सुना है कभी, प्रीबायोटिक्स का नाम सुना है, ये प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं आपके, वो फूड होते हैं जो क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो आपका कर्ड भी कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रीबायोटिक वर्क करता है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है आपका, वो एज अ प्रीबायोटिक वर्क करता है। ठीक है, फूड दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। और यही सारी चीजें आप अपना एनसीईआरटी उठा के पढ़ना, लाइन बाय लाइन आपको दी होंगी। ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन करके लिखा रही हूँ। ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आया इतना समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी, हाउस होल्ड में ही दूसरी प्रोसेस क्या होती है आपकी, फर्मेंटेशन। ठीक है, अभी हाउस होल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। लार्ज स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, घर में फर्मेंटेशन जो कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन की बात करें तो क्या होता है आपका, फर्मेंटेशन होता क्या है बेटा, फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है आपका, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एथेनॉल। ठीक
है, ये दोनों चीजें क्या होंगी यहाँ पे, जनरेट होती हैं। ठीक है, अगर आपने डो देखा होगा, डो देखा होगा, ठीक है, तो जो आपका फ्लोर डो होता है उसको क्या किया जाता है, अगर रेज हो जाता है कभी भी, देखा होगा है ना, खमीर जिसको बोला जाता है, तो क्या होता है उसमें देखोगे छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, देखा है, छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं। या ब्रेड में देखो तो वहां पे भी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि जब बेक किया जाता है तो जितना भी आपका फर्मेंटेशन, मतलब आपका ये जो भी माइक्रोब्स ग्रो हुए हैं, उन्होंने क्या बना दिया है यहाँ पे, CO2 का प्रोडक्शन किया, और जैसे ही उसको हीट मिलती है, दैट CO2 विल एस्केप फ्रॉम दैट डो। ठीक है, CO2 वहां से निकलने की कोशिश करेगी, और जब वो निकलेगी तो क्या हो जाते हैं, जहां से निकले तो छोटे छोटे से होल्स या पोर्स बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्मेंटेड जो आपके बेवरेजेस हैं वो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर एक चीज और बताइए, आपके NCERT में फर्मेंटेड प्रोडक्ट की बात करें तो इडली एंड डोसा, ठीक है, इडली एंड डोसा, ये भी क्या है आपका, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है, ये जो डो फर्मेंट किया जाता है किसकी हेल्प से किया जाता है, ये जो डो फर्मेंट किया जाता है ये एक बैक्टीरिया की हेल्प से इसको फर्मेंट किया जाता है। ये याद रखना कि इडली एंड डोसा को फर्मेंट करने के लिए ईस्ट की जरूरत नहीं होती है, कि किस की हेल्प से हो रहा है, ये बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। डो इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं वो क्या है आपके, बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। दूसरा आपका ब्रेड या बिस्किट, जितने भी आपके फूड बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में आपका किसका यूज किया जाता है, ये जितना भी फर्मेंटेशन होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ईस्ट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, प्रोड्यूस बाय ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा था, बैक्टीरिया की वजह से। ये चीज याद रखना कि आपका जो इडली एंड डोसा का फर्मेंटेशन होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जबकि इन द केस ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट या फिर कोई भी बेकरी प्रोडक्ट की बात करें आपकी, तो वो किसकी वजह से होगा, आपका ईस्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट कौन सा होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ईस्ट का नाम है, क्योंकि ये जो आपका ईस्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यूनिसेलर होता है, मल्टी सेलर होता है ईस्ट, मल्टी यूनिसेलर, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, हाँ ईस्ट क्या है आपका बताओ, चैट बॉक्स में आंसर करो, सब लोग जितने लोग प्रेजेंट हो ना, सब चैट बॉक्स में आंसर करो, ईस्ट क्या है आपका, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। दूसरी चीज, इस ईस्ट से क्या बन रही है आपकी, बेकरी वाली चीजें बन रही है, तो नाम क्या दे दिया इसको, बेकर्स ईस्ट, क्या नाम दे दिया यहाँ पे इसका, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, जब हम घर में कुछ भी डो वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, मतलब घर में कुछ भी इस तरह की चीजें बनाएंगे तो जो ईस्ट डाला जाता है ना, वो यही वाला ईस्ट डाला जाता है आपका, कौन सा, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, क्लियर सारे लोग, रिप्लाई करो सारे लोग,
सोनाक्षी, तन्वी और रियल मी नैजो। अपने अपने नाम से बेटा वो करके आया करो साइन। दिशा, बाकी लोग अच्छा जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना उनके आंसर गलत थे, ठीक है? मिनी सेलर होता है ये, ठीक है? चलो अभी आते हैं। ये क्या है आपका, क्या बना लिया इसने? क्योंकि ये ईस्ट क्या कर रहा है आपका, सैक्रोमाइसिस सर्विसी क्या कर रहा है, बेकरी प्रोडक्ट बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट। और मैंने बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको ईस्ट क्रोमोसोमल आर्टिफिशियल वेक्टर पढ़ाया था, पढ़ाया यस था। मैम इन दैट केस मैंने समझाया भी था यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। देखो चीजें तुमको साइंस में घूम फिर के ना इस चैप्टर से उस चैप्टर में कहीं ना कहीं लिंक होके मिलेंगी। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है रिकॉल करने का, आपको ईस्ट दिखा एंड आप पहले कभी पढ़ चुके हो तो आप अपने आप को एक बार दिमाग पे जोर दो, ठीक है? तो वो नेक्स्ट थिंग क्या होगा, भूलेगा नहीं। बाकी याद दिलाने का यहाँ कोई और मकसद नहीं था, ठीक है? तो पढ़ाया था ना वहां पे बायोटेक वाले चैप्टर में आपको। चलो ठीक यस है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, चलो फिर से लिखो चैट बॉक्स। मैम प्रो और यू, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सब लोग। इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? ये दोनों चीजें कराई थी, क्या है आपका? यू कैरियोट है, यूकैरियोट ठीक है? यू कैरियोट है, इसीलिए क्या पाया जाता था, ओराई पाया जाता था, ओराई साइड पाया जाता था, नो नो ऑटोसोमल क्या पाया जाता था, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन साइड है ना, इसीलिए पाया जाता है, एआरएस पाया जाता था, ठीक है? ये हो गई ईस्ट की बात। यहाँ पे ईस्ट का काम क्या कर रहा है आपका, ब्रेड एंड बिस्किट्स जो भी होते हैं आपके, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे क्या करता है उसको पफीनेस देता है, ठीक है? केक जो होता है आपका क्या होता है, जितना ज्यादा फ्लफी होता है, जितना ज्यादा आपका वो होता है फ्लफी होता है, स्पंजी केक होता है, उतना ही खाने में मजा आता है ना, तो वो क्यों होता है? यही ईस्ट क्या कर रहा है वहां पे, फर्मेंटेशन कर रहा है। ईस्ट कर क्या रहा है वहां पे, फर्मेंटेशन कर रहा है। उसने काफी सारा CO2 वहां पे बनाया और जैसे ही हमने उसको क्या किया, ओवन में डाला और हीट मिली, तो CO2 क्या करेगी, हीट मिलते एस्केप होने की कोशिश करेगी, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है आपके जो क्या होगा केक में से। अब क्या हो जाएगा, जब वो बाहर निकलेगी तो छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं आपके केक में, होल्स हो जाते हैं, ठीक है? होल्स बन जाएंगे, इसी वजह से बनते हैं, ठीक है? तो इसका नाम क्या दे दिया बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का बेकर्सिस, ठीक है? और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं यहाँ पे, तो बनाया जाता है आपका फर्मेंटेड सोयाबीन, ठीक है? ये एक एक लाइन आपकी इसी तरह से एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है? और क्या बनाया जाता है आपका, जो बैम्बू स्टेम होता है उसको भी क्या किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है, ठीक है? और फिशेस बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको क्या किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है, ठीक है? दूसरा आपका एक ड्रिंक होता है, फर्मेंटेड ड्रिंक होता है, ठीक है? साउथ इंडिया में इसको क्या किया जाता है, साउथ इंडियन बेवरेजेस है टोडी, ठीक है? क्या नाम होता है इसका, टोडी, ठीक है? ये है क्या आपका, साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है क्या आपका,
साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक। कैसे ऑब्टेन करते हैं? पाम ट्री का नाम सुना है सबने? पाम ट्री का नाम सुना है? यस मैम। ठीक है, तो क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे जो पाम ट्री होता है ना, उसको ऊपर वहां पे ऐसे कट करके काफी सारे वेसल्स बांध दिए जाते हैं। कट किया जाता है उसको ऊपर से, और ऊपर वहीं पे क्या किया जाता है, काफी सारे आपके वेसल्स बांध दिए जाते हैं, जिसमें ये जो पाम ट्री का सैप होता है वो धीरे 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 क्या होता है, आकर के भरता चला जाता है, और उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और जो ड्रिंक आपका प्रिपेयर होता है विच इज नोन एज टोडी। ठीक है, सैप ऑफ पाम ट्री। ठीक है, क्या है ये आपका? पाम ट्री का जो सैप होता है ना, उससे बनता है कैसा? फर्मेंटेड। कैसा होगा ये आपका? फर्मेंटेड। ठीक है, ये जो साफ होता है इसको कैसा कर दिया जाता है? फर्मेंट कर दिया जाता है। ठीक है, चीज की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट चीज। खाते हो सब लोग? यस मैम। ठीक है, चीज सब जानते हो? ठीक है, ठीक है। अभी देखो, चीज टॉम एंड जेरी देखा होगा सबने, तो देखा होगा चीज, उसमें देखा है? यस मैम। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ये चीज जो है ना, ये क्या हो रहा है आपका, अभी का प्रोडक्ट है ही नहीं ये, बहुत अगर देखा जाए तो क्या है आपका, इमोरियल टाइम का एक ये लाइन लिखी हुई आपकी एनसीईआरटी में, मतलब एक बहुत ओल्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो मिल्क होता है आपका, देखो कर्ड और इसकी प्रोसेस क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, जबकि दोनों प्रोडक्ट किसके हैं, दोनों ही प्रोडक्ट किसके हैं आपके, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क को क्या कर दिया जाता है, डी नेचर किया जाता है। वहां पे क्या किया जा रहा था मिल्क को, वहां क्या किया जा रहा था बेटा, मिल्क को पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक है, क्या किया जा रहा था वहां पे मिल्क को, पार्शियली डाइजेस्टेड। इसीलिए जो लोगों को ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको क्या होता है आपका, बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है, दूध पीने से क्या होता है उनका डाइजेशन नहीं हो पाता दूध का। ठीक है, तो अभी क्या होता है इसमें, अगर कर्ड के फॉर्म में वो मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों? क्योंकि अभी जो प्रोटीन वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, नाउ दैट प्रोटीन इज पार्शियली डाइजेस्टेड, क्लियर है? इसीलिए वो आपके इंटेस्टाइन को क्या करता है, एक रिलीफ भी देता है। ठीक है, तो वो वहां पे हम किसके मिल्क को क्या कर रहे थे जब कर्ड करवा रहे थे, किससे करवा रहे थे, आंसर करो जल्दी जल्दी, किससे करवा रहे थे? रिकॉल होता चला जाता है, कभी कभी बेटा छोटे चैप्टर जो होते हैं ना, अपने ज्यादा पढ़ने का रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो उसको एक बार में ही ऐसे पढ़ो रिकॉल कर करके कि वो तुम्हारा एक बार में तैयार होता है। ठीक है, उस पर उतना बाद में एनर्जी ना देना पड़े एग्जाम टाइम से ज्यादा। ठीक है, तो कर्ड क्या कर रहा है आपका, कर्ड के केस में मिल्क क्या हो रहा है, पार्शियली डाइजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, और वहां पे पाया क्या जा रहा है आपका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, लैक्टोबैसिलस पाया जाएगा जो क्या करेगा, पार्शली डाइजेस्टेड कर देगा। ठीक है, और कोगुलेट कर देता है। अभी यहाँ क्या होगा, डी नेचर। अभी यहाँ पे मिल्क क्या हो रहा है आपका, डी नेचर हो रहा है, क्यों? पीएच चेंज कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, पीएच चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कभी देखा होगा अगर दूध है और उसमें नींबू डाल दिया जाएगा तो पानी अलग और उसका प्रेसिपिटेट अलग हो जाता है, तो यहाँ होता क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाटर एंड फैट सेपरेटेड। ठीक है, वाटर एंड फैट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, क्लियर है? समझ में आ रही है डीनेचर होने का मतलब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर वाला पार्ट रिमूव कर लो, वाटर को रिमूव कर लो, और क्या कर देते हैं इसमें, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और क्या कर देते हैं इसमें, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है आपका, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है आपका, उस प्रोडक्ट को, अभी ये चीज नहीं है, ठीक है, रॉ मटेरियल बन गया आपका। ठीक है, रॉ मटेरियल बन गया, अभी इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, राइपनिंग करवाएंगे। ठीक है, राइपनिंग करवाएंगे मतलब जो चीज के माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
राइपनिंग ऑफ इज बाय एडिशन ऑफ माइक्रोब्स। क्लियर है? क्या ऐड कर दिया अब यहाँ पे? माइक्रोब्स ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी एक और लाइन लिखता है कि आपने, आपको देखो इतनी प्रोसेस तो सेम चलनी है कि मिल्क था, डीनेचर किया, ठीक है, वाटर फैट सेपरेट हुआ, वाटर निकाल दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, एक प्रोडक्ट बना। लेकिन अब जब माइक्रोब्स ऐड करेंगे ना, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट मीन्स चीज, विच इज डिपेंड ऑन आपका फाइनल टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। ठीक है, फाइनल टेक्सचर कैसा बना, चीज बना कैसा, ठीक है, दिखने में उसका फ्लेवर कैसा आया, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि देर आर वेरियस टाइप ऑफ चीज, ठीक है, बहुत सारे चीज क्या होते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। ये सब डिपेंड किस पे करते हैं, आपने विच टाइप ऑफ माइक्रोब यू हैव एडेड, ठीक है, आपने कौन सा टाइप का माइक्रोब यहाँ पे ऐड किया है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लाइन मेंशन कर लो, ठीक है, फाइनल टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, ठीक है, ऑल डिपेंड्स ऑन माइक्रो, ठीक है, क्या माइक्रोब आपने ऐड किया इस प्रोडक्ट में, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल टेक्सचर, फ्लेवर या फिर आपका जो टेस्ट है वो कैसा होगा। ठीक है, अभी दो तरीके की चीज के बारे में बात की एनसीईआरटी ने। द वेरी फर्स्ट वन इज स्विस चीज, जो टॉम एंड जेरी वाला देखा है? यस मैम। है ना, जेरी खाता है और उसी साइज का हो जाता है जैसा चीज खाता है, देखा होगा ना तुमने, टॉम एंड जेरी सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्विस चीज होता है वो होता कैसा है, आपका स्विस चीज होगा और उसमें क्या होते हैं ऐसे लार्ज पोर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो पोर साइज होता है वो कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसमें फाइनल स्टेज में जब आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया है ना, जहाँ पे आपका वाटर रिमूव करके सॉल्ट मिला है, इस प्रोडक्ट में हम ऐड करते हैं बैक्टीरिया। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? बैक्टीरिया, क्योंकि आधी प्रोसेस तो सेम चलेगी। क्या ऐड करा है यहाँ पे? बैक्टीरिया ऐड किया है। कौन सा बैक्टीरिया ऐड किया है आपका? पेपिनोई बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, पेपिनोई बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे ऐड किया तो ये क्या बना देगा आपका? लार्ज होल्स बनाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कैसा बनेगा आपका? लार्ज होल वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज स्विस चीज। इसका नाम क्या है बेटा? स्विस चीज नाम है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस मैम। चलो अभी आता है आपका रॉक फैट चीज। नेक्स्ट कौन सा है आपका? रॉक फैट चीज, ठीक है, इसका टेक्सचर क्या होगा? बस डिफरेंस किसमें आएगा आपके? टेक्सचर, ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा होगा आपका? यहाँ होल्स कैसे होंगे आपके चीज में? स्मॉल, ठीक है, कैसा होगा इसका टेक्सचर? स्मॉल, ठीक है, तो टेक्सचर का डिफरेंस आया माइक्रोब चेंज होने से, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका माइक्रोब ऐड होगा वो क्या ऐड होगा? फंजाई, ठीक है, यहाँ पे ऐड क्या करेंगे आपका? फंजाई, ठीक है, क्या ऐड किया यहाँ पे? फंजाई ऐड किया, ठीक है, नाम क्या है इसका? पेंसिलियम रॉकीफोर्टी। ठीक है, क्या है ये आपका?
यहाँ पे फंजाई ऐड किया है, जबकि जो स्विस चीज था वहां पे क्या ऐड किया था, बैक्टीरिया ऐड किया था। ठीक है, तो टेक्सचर और टेस्ट सब क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट आपके सब टॉपिक पे आते हैं। ये तो आपके घर की बातें हो गई कि घर में आप किस तरह से चीजें क्या कर रहे थे, घर में किस तरह से चीजें माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन कर रहे थे और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे थे। ठीक है, अभी आते हैं लार्ज स्केल पे। अब आते हैं लार्ज स्केल पे, तो घर में छोटी छोटी चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए, हाई अमाउंट में चाहिए, तब हम माइक्रोब्स का यूज कैसे करें। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, दैट मीन्स आपका लार्ज स्केल पे प्रोसेस होने जा रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दो तीन ऐसी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स हो रहे हैं। उनमें से मैं एक बात करूं, अगर सबसे ज्यादा कॉमन, तो आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, एक सबसे कॉमन बात करूं तो क्या होगा आपका, अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, ये सारी लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री लेवल में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, अगर माइक्रोब्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वहां कन्वर्जन एथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा आपके एंटीबायोटिक्स। दूसरा क्या है इसकी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओहो, अगला क्या है आपका, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर क्या है आपके, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। फिर क्या है आपके, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है, कोई भी एसिड बना लिया, कोई भी एंजाइम बना लिया, तो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ठीक है, इन सारी चीजों का अगर हमने इंडस्ट्री लेवल पे माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोडक्शन करवाया, ये आपके तीन मेजर सेक्टर हैं जो होते हैं। सबसे पहला कौन सा लेकर चलेंगे हम, अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, तो एथेनॉल प्रोडक्शन, अगर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो क्या कहलाएगा ये आपका, एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है एथेनॉल, आपका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, यही होता है। ठीक है ये क्या आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस है। ठीक है, मतलब ड्रिंक किया जाएगा इसको। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है उस पे चलते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कैसे बन रहा है ये, इस पे चलिए। यहाँ ध्यान देना और इसको याद भी करते चलना। ठीक है, देखो अभी होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आपका पहला चीज, जो आपका रॉ प्रोडक्ट लोगे, कोई भी रॉ प्रोडक्ट लोगे, उससे बनाओगे आपके क्या, फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज, रॉ प्रोडक्ट लोगे और उससे बनाओगे अपना फाइनल प्रोडक्ट, जो सबसे पहला यूज किया जाता है वो आपका रॉ प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हमको लेना है एनी फॉर्म ऑफ शुगर, क्या लेना है हमको, शुगर कंटेंट वाला कुछ मटेरियल लेना है। इट कुड बी ग्लूकोज वाला कोई मटेरियल हो सकता है, या फिर आपका फ्रक्टोज वाला भी हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज भी हो सकता है और आपका फ्रक्टोज भी हो सकता है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है बेटा, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फ्रूट्स वाले जो भी आपके होते हैं प्रोडक्ट, उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, इट इज द फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी, है ना। तो फ्रक्टोज आपके फ्रूट्स में हाई अमाउंट में पाया जाता है। और अगर मिल्क शुगर की बात करें, विच इज लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर के कौन कौन से दो फॉर्म लेंगे हम, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वाले मटेरियल लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कराते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्या करवाएंगे, ग्लूकोज है तो क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लाइकोलिसिस होती है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, जल्दी से कोई बता दो।
पढ़ा होगा सबने, ग्लाइकोलिसिस होती है। क्या बनता है बेटा ग्लाइकोलिसिस में? मैम फाइनल प्रोडक्ट पाइरूवेट बनता है। किसने आंसर किया? मैम तन्वी। आवाज पहचानने लगी है, ठीक है, चलो गुड तन्वी। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? पाइरुवेट बन गया। ठीक है, अब जब ये पाइरुवेट बनता है तो इसमें क्या रिलीज होगा आपका? एक आपका सब प्रोडक्ट बनेगा क्या? सीओ टू, और दूसरा क्या बनता है यहाँ पे? एथेनॉल। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे? एथेनॉल बन। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ माइक्रोब्स ऐड होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ माइक्रोब्स ऐड होंगे। ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, अगर यहाँ माइक्रोब गायब कर दिया जाता तो ये प्रोसेस होती क्या? ये प्रोसेस होती ही नहीं, ठीक है, ये प्रोसेस होती ही नहीं। तो ये कैसे प्रोसेस हो रही है आपकी? यहाँ पे क्या ऐड किया गया हमने? माइक्रोब्स ऐड किया गया, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यहाँ पे भी क्या ऐड किया गया है आपका? सैक्रोमाइसिस और बेकर सीट में ईस्ट में भी क्या किया गया था आपका? ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया? वहां पे बेकर ईस्ट बोला गया था क्योंकि बेकरी वाले सामान बन रहे थे। यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको? ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, क्लियर क्लियर है ये आपका? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान में आ गया, एनसीईआरटी में नहीं, आपका टी जो है आपका, टी चाय पीते हो सब लोग? यस मैम। तो वो क्या है, फर्मेंटेड होता है कि अनफर्मेंटेड होता है? चाय तो सब पीते होंगे, फर्मेंटेड। है ना? जो आपका ब्लैक टी, मतलब ब्लैक वाला टी मिक्स होता है, वो कैसा होता है? ग्रीन वाले टी लीव्स को क्या किया जाता है? फर्मेंटेड किया जाता है, ठीक है, वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है आपका। चलो अब यहाँ पे ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा, अब देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ आपके अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन तो सेम हो रहा है, प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है आपका? सेम हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक बन रहा है। लाइक आपका क्या बन रहा है? बियर भी होता है, वाइन भी होता है, विस्की भी होता है, रम भी होता है, ठीक है, ब्रांडी भी होता है। तो ये अलग अलग कैसे बन रहा है? प्रोसेस तो सेम चल रही है, बट कोई एक ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं आपके? अलग अलग तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो जो आपका टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जैसे चीज में पढ़ा, ठीक है, कि माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे माइक्रोब एक ही है, यहाँ पे माइक्रोब क्या है बेटा आपका? सेम माइक्रोब है। क्लियर है ये बात? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही सेम है, ब्रिवर्स ईस्ट ही डाला जाएगा, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है वो चेंज कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल क्या आपका? ये वाला जो सबसे फर्स्ट पार्ट आपने लिया है ना, यहाँ शुगर का फॉर्म चेंज कर दिया जाता है बार बार, ठीक है। रॉ मटेरियल चेंज कर देने से क्या होता है आपका? जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो भी, लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज, एक तो रॉ मटेरियल चेंज करेंगे, दूसरा डिस्टिल और अनडिस्टिल्ड का फर्क होता है, ठीक है, आपका अल्कोहल जो है वो डिस्टिल्ड है या अनडिस्टिल्ड है, इसका भी फर्क होता है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो, फिर आगे डिस्टिल अनडिस्टिल समझाती हूँ। टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल। किस पे डिपेंड कर रहा है आपके? रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड, क्लियर है? डिस्टिल्ड है या अनडिस्टिल्ड है, और हमने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया है इस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम ऐड कर दें क्या,
ग्रेन्स ले लें, ठीक है, क्या ले लें, ग्रेन्स, ऐसी को क्या बोलेंगे, सीरियल्स, ठीक है, ग्रेन्स या सीरियल्स ले लें तो क्या होगा, जैसे बैरली ले लिया, चलो क्या ले लिया, बैरली ले लिया, ठीक है, क्या होता है बैरली पता है, तो इससे जो ड्रिंक बनता है, इससे जो आपका अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है बैरली से, विच इज बियर, क्या बन जाएगा बेटा आपका, बियर बनेगा, ठीक है, होता कैसे है ये आपका अनडिस्टिल्ड, कैसा होता है आपका, अनडिस्टिल्ड होता है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, डिस्टिल्ड अनडिस्टिल्ड क्या है आपका, अगर आपका जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसमें एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वो क्या कहलाएगा आपका, अनडिस्टिल्ड, क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात, अगर एथेनॉल का जो आपका अल्कोहल का लास्ट प्रोडक्ट बना, अगर उसमें क्या होगा, एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो अनडिस्टिल्ड, और अगर एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, दैट कॉल्ड एज डिस्टिल्ड, आ रही है बात समझ में, अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड क्या है, क्लियर यस मैम, है, अनडिस्टिल्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज लो, ठीक है, एथेनॉल आपका यहाँ पे लो अमाउंट में है जो पूरा प्रोडक्ट बना, लेकिन अगर एथेनॉल का अमाउंट हाई है तो वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्टिल्ड, क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग होगा, ठीक है, अल्कोहल अलग अलग बनेंगे, तो बैरली को अगर हमने एज अ रॉ मटेरियल लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, बियर बनेगा, ठीक है, बी फॉर बैरली, बी फॉर बियर याद रखना, और क्या बनेगा आपका, अनडिस्टिल्ड बनेगा, इफ वी टेक एज ग्रेप्स, चलो ग्रेप्स ले लिया, ठीक है, बैरली लिया था, क्या ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, तो क्या बनता है आपका, वाइन बनता है, क्या बनता है, वाइन बनता है, ये भी कैसा होता है, अनडिस्टिल्ड होता है, कैसा होता है, अनडिस्टिल्ड होता है, ठीक है, अब अगर हम क्या करा दें, अब अगर हम क्या करा दें, ये जो बियर थी ना इसी का डिस्टिलेशन करा दें, ठीक है, बियर का डिस्टिलेशन करा दें, डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या कहलाता है, विस्की, अगर इसी बियर का क्या करवा दे बेटा, डिस्टिलेशन करवा दे, ठीक है, क्या करा दिया यहाँ पे, बियर का डिस्टिलेशन, आ रही है बात समझ में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है आपका, विस्की बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, विस्की बन रहा है, अब ये कैसा प्रोडक्ट है, अनडिस्टिल और डिस्टिल्ड, डिस्टिल ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बन गया, डिस्टिल्ड बन गया, तो क्या किया, बैरली से सीधे बनाया, बियर बना, अनडिस्टिल्ड होता है, डिस्टिलाइजेशन करा दिया तो विस्की बन गया, डिस्टिल्ड है, ठीक है, अभी ग्रेप से क्या बना आपका, वाइन बना, ग्रेप से क्या बना आपका, वाइन बना, इसको भी डिस्टिलेशन करवा देते हैं, चलो अनडिस्टिल्ड है ना, इसका भी क्या करा दिया, डिस्टिलेशन करवा दिया, इसका डिस्टिलेशन कराने के एक बाद क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है विच इज नोन एज ब्रांडी, नाम क्या रख दिया इसका, ब्रांडी, डिस्टिल्ड बनेगा अनडिस्टिल्ड बनेगा, डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड दैट मींस अल्कोहल का अमाउंट की मैं बात करूं किसमें ज्यादा होगा, आपके ब्रांडी में ज्यादा होगा या वाइन में ज्यादा होगा, ब्रांडी है ना, विस्की में ज्यादा होगा या वाइन में ज्यादा होगा, में विस्की, ठीक विस्की है, तो विस्की एंड ब्रांडी की बात करें, डिस्टिल्ड है आपके तो अमाउंट क्या होगा यहाँ पे, अल्कोहल का ज्यादा होगा, दूसरा शुगर केन से बनाया जाता है आपका अगला क्या है आपका, शुगर केन, शुगर केन से क्या बनता है आपका, रम बनती है, शुगर केन से क्या बनती है आपकी, रम बनती है, इट इज डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड, तो ये आपका डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड ठीक है, तो ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है और ये आप एज इट इज याद रख लेना, ठीक है, बी फॉर बार्ली, बी फॉर बियर, और बियर का जब डिस्टिलेशन करेंगे तो डब्लू, ये बियर और वाइन दिख रहा है ना, तो बी वाले से डब्लू वाला प्रोडक्ट बन रहा है और डब्लू वाले से बी वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे ही चल रहा है कुछ, वाइन से ब्रांडी बन रही है और बियर से विस्की बन रही है, क्लियर है, ठीक, यस और मैम, डिस्टिलेशन क्या है आपका, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल, अगर आपका अनडिस्टिल्ड कब कहेंगे, जब क्या होगा आपका, डिस्टिलेशन क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा तो क्या बोल देंगे उसको, अनडिस्टिल्ड है, और डिस्टिल्ड ज्यादा होगा तो क्या बोल देंगे, डिस्टिल्ड ठीक है, अब ये प्रोसेस सारी हो कहाँ रही है, बायो रिएक्टर पढ़ाया था मैंने, बायो रिएक्टर पढ़ाया था, क्या था बायो रिएक्टर बायो रिएक्टर क्या था बेटा, पढ़ के भूलना नहीं है,
पढ़ लिया, इसका मतलब बनना चाहिए। बाय नेचर क्या था? एक लार्ज वेसल्स लिया था, ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाने के लिए, लेकिन वहां पे हम ऑक्सीजन दे रहे थे या नहीं? ऑक्सीजन दे रहे थे या नहीं? ठीक यस है, तो अभी कोई लार्ज वेसल्स ले लें अगर, और उसमें एनारोबिक डाइजेशन करा दे। एनारोबिक डाइजेशन, वहां एरोबिक हो रहा था, ऑक्सीजन दे रहे थे, सप्लाई लगातार दे रहे थे ऑक्सीजन की। यहाँ क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंट में कोई डाइजेशन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका फर्मेंटेशन, मैम, ठीक है, एनारोबिक कहा जाएगा। और प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? फर्मेंटेशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? इज इट यस क्लियर? मैम, तो यस आपका मैम, फर्मेंटर क्या हो गया? एक लार्ज वेसल हो गया। फर्मेंटर क्या हो गया? जैसे आपने बायो रिएक्टर पढ़ा था, वैसे ही फर्मेंटर क्या हो गया आपका? एक लार्ज वैसे वेसल हो गया, ठीक है, एक लार्ज वेसल्स हो गए, जिसमें क्या करते बेटा, क्या करेंगे? एनारोबिक डाइजेशन कर क्या रहे हैं यहाँ पे? एनारोबिक डाइजेशन करेंगे, क्लियर है? और किसका डाइजेशन करेंगे? किसका कर रहे थे इतनी देर से? रॉ मटेरियल क्या था हमारा? शुगर। तो शुगर किसका डाइजेशन कर रहे हैं? शुगर का। किसकी हेल्प से कर रहे थे? ब्यूवर ईस्ट की वजह से। तो बाय ठीक है, तो ब्रेड में भी यूज वही हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। वहां पे बेकर चीज बोलेंगे इसको, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्यूवर ब्यूअर चीज, ठीक है। फर्क क्यों आया ऐसा? क्योंकि रॉ मटेरियल अलग अलग लिया था, ठीक है। फर्क क्यों आया? प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बने? ड्यू टू रॉ मटेरियल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर यस है मैम, यहाँ तक? फर्मेंटर वगैरह सारा चीजें, ठीक है। एक एक लाइन बस इसकी पढ़ लेना, समझ लेना, बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग पे। क्या बनाया था हमने? इंडस्ट्रियल लेवल पे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के पहले, शुरू कराने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सुनना, ठीक है। क्या हुआ था? एक बार एक साइंटिस्ट थे, इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। एक साइंटिस्ट थे, वो अपने लैब में वर्क कर रहे थे, ठीक है। उनको अचानक से कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाए, वो बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। वर्क किस पे कर रहे थे? आपके बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ दिन के लिए छुट्टी में चले गए, ठीक है। तो पेट्री प्लेट्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। माइक्रो पे पेट्री प्लेट्स होती हैं। पेट्री प्लेट्स क्या होती हैं आपकी? इस तरीके की डिश होती है, ठीक है, इस तरह की एक ऐसे प्लेट होती है, ठीक है। इस प्लेट पे यहाँ पे क्या होता है, काफी सारा आपका कल्चर मीडियम रहता है, उसी में हम क्या कराते हैं? बैक्टीरियल कॉलोनीज। वहां पे हम क्या ग्रो कराते हैं बेटा? बैक्टीरियल या कोई भी माइक्रोब्स की कॉलोनी ग्रो करवाते, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वो जो पेट्री प्लेट थी ना, वो उनसे एज इट इज रह गई, ठीक है, और वो छोड़ करके क्या करे, चले गए। जब वो वापस आए आफ्टर जो उनका हॉलीडे वेकेशन एंड हुआ, और वो वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो उनका बैक्टीरियल कॉलोनी था, वो क्या हो रहा था, वहां पे कुछ अदर माइक्रोब्स आ गए थे, वहां पे कुछ अदर माइक्रोब्स की कॉलोनी ग्रो हो गई, और जहां पे वो कॉलोनी ग्रो हुई, वहां पे उतने पोर्शन में क्या हुआ, बैक्टीरियल इंफेक्शन बंद हो गया, मतलब बैक्टीरियल की कॉलोनी बनना बंद हो गई। तो उनको बड़ा वो लगा कि अच्छा, ये कोई एक ऐसा मटेरियल बना है यहाँ पे, कुछ ऐसे माइक्रोब्स ग्रो हो गए जिन्होंने क्या किया, दूसरे माइक्रोब्स को क्या कर दिया, दूसरे माइक्रोब्स की प्रेजेंस को, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट थे कौन आपके? ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था। ये आपका कैसा इन्वेंशन था बेटा? एक्सीडेंटल इन्वेंशन था, ठीक है, कुछ ये जानबूझ के नहीं किया गया था कि ऐसा कराया गया, ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था, बस ऐसा एज इट इज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये साइंटिस्ट थे आपके कौन से? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये क्या कर रहे थे आपका? स्टाइफलोकोकस पे वर्क कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही प्लेट छोड़कर चले गए, तो वहां एक मोल्ड ग्रो हो गया था। यहाँ पे इतने एरिया पे क्या हो गया था आपका? एक मोल्ड ग्रो हो गया था, और इस मोल्ड जहाँ पे ग्रो था, वहां देखा कि बैक्टीरियल, यहाँ पे तो खूब सारी बैक्टीरियल कॉलोनी थी यहाँ पे, मान लो इस रीजन पे, ठीक है, लेकिन इसके आसपास क्या हुई, बैक्टीरियल कॉलोनी कम ग्रो हुई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट जो थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया इस पे, आगे रिसर्च की, देखा वो मोल्ड क्या, भी आगे सारा बताऊंगी मैं, ठीक है। और एक एंटीबायोटिक बनाया, ठीक है, क्या बनाया?
जो उनका प्रोडक्ट बना वो एंटीबायोटिक बना, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने भी वॉरियर्स थे उनको इन्फेक्शन हो रहा था, इस एंटीबायोटिक ने उन इन्फेक्शन को क्या किया, काफी हद तक रोका। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है, तो इट इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से लिया गया है बेटा ये वर्ड? ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है आपका? ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स होता है अगेंस्ट लाइफ। क्या मतलब होता है इसका? अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, मतलब किसी की लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है ये। किसके अगेंस्ट करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? कुछ केमिकल्स हैं जो कि किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके? माइक्रोब। ठीक है, माइक्रोब्स की हेल्प से आपके कुछ केमिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब वो माइक्रोब्स आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं एंड फंजाई भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी बैक्टीरिया और फंजाई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, करेंगे क्या बेटा ये? किल करेंगे। करेंगे क्या ये? किल करेंगे या फिर ग्रोथ को रोक देंगे। या तो किल करेंगे या तो क्या करेंगे, रिटार्डेड कर देंगे, दैट मीन्स ग्रोथ को रोकेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को रोक देंगे? अदर माइक्रोब्स की। तो एक माइक्रोब से हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, एक माइक्रोब से दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को क्या किया है? सप्रेस कर दिया। आ रही है बात समझ के, समझ में? ओके, यस मैम। तो मतलब एक माइक्रोब ही है जो दूसरे माइक्रोब को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, तो ये एंटी किसके लिए है? एंटी किसके लिए है? एंटी मतलब विरोध कर रहा है। ठीक है, एंटी किसके लिए है आपके? माइक्रोब्स के लिए। किसके विरोध में काम कर रहा है? माइक्रोब्स के लिए। लेकिन ह्यूमन के लिए क्या है ये आपका? ह्यूमन के केस में बात करें, माइक्रोब के केस में तो ये एंटी वर्क कर रहा है, लेकिन ह्यूमन के केस में क्या कर रहा है आपका? डिसीज को किल कर रहा है। ठीक है, किल कर रहा है आपको किसको? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो वेलफेयर हुआ, बताओ वेलफेयर हुआ यहाँ पे कि नहीं हुआ? हमारा यस तो मैम। ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे, बैक्टीरियल वेलफेयर तो पढ़ नहीं रहे। तो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, लेकिन कौन से वाले है? माइक्रोब को, डिसीज कॉज करने वाले को। तो हमारे लिए तो वेलफेयर हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसको क्या बोला गया? प्रोलाइफ। क्या बोला गया? प्रोलाइफ। प्रोलाइफ बोला गया, दैट मीन्स बेनिफिशियल। क्या है ये आपके? बेनिफिशियल। एक्चुअली ये सारी चीजें पढ़ना लिखना क्यों, आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी की लाइन, क्योंकि कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो एज इट इज स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। पता होता है तो अब क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक, पता है किसी को फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? नाम सुना होगा। पेनिसिलिन यस, किससे बनी हुई थी? मैम, पेनिसिलिन रोटेटम से। पेंसिलिन नोटेटम से बनी। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो कैसा इन्वेंशन था बेटा ये? एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल इन्वेंशन। इन्वेंशन। कुछ सोच समझ के खोज नहीं की गई थी। ओके परमिंदर, डन। ठीक यस मैम। है, एक्सीडेंटल इन्वेंशन थी, किसने की थी बेटा? साइंटिस्ट का नाम क्या था आपके? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और किस पे की थी? स्ट्रेप्टोकोकस पेनिसिलिन स्टाफाइलोकोकाई। स्टाफाइलोकोकाई, ठीक है, कोकस बोल देंगे तो एक बैक्टीरिया, कोकाई बोल दिया तो
बंच, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या था इस प्रोसेस में, ड्यू टू मोल्ड, किसकी वजह से हुआ था ये आपका, मोल्ड मतलब क्या, फंजाई, ठीक है। फंजाई की वजह से क्या हुआ था आपका, जो इस आपका स्टाफिलोकोकस था उसकी कॉलोनी क्या हो गई थी, प्रोड्यूस नहीं हो गई थी, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसका नाम क्या दिया था, यहाँ पे क्या केमिकल निकला था यहाँ से, ये जो मोल्ड था, ये जो फंजाई था, ठीक है, कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पूछा गया था, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम था। और इसने क्या केमिकल किया था, कौन सा केमिकल निकला था यहाँ से जिसने रोक दिया था, यहाँ से केमिकल निकला था कौन सा आपका, पेंसिलिन, ठीक है, क्लियर। तो इसने क्या किया था, ग्रोथ रोक दी थी। अब यहाँ पे एक इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है, आपने कमेंशियलिज्म पढ़ा है, कमेंशियलिज्म आपका एमेटरिज्म से पढ़ा है, तो यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है, एमेंशियलिज्म, एमेंशियलिज्म का एग्जांपल है। क्या होता है एमेंशियलिज्म में मैम, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है और दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, यस, दूसरे को नो बेनिफिट होता है नो लॉस होता है, नो बेनिफिट नो हार्म, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका होता है, एमेंशियलिज्म का होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम है उसका एग्जांपल, क्योंकि ये क्या करा रहा है, स्टाफिलोकोकस को क्या करा रहा है, रोक रहा है, लेकिन इससे इस आपके पेनिसिलियम नोटेटम को ना कोई फायदा पहुंच रहा है ना कोई नुकसान, ठीक है। तो एक तो क्या होता है आपका, वन गेट हार्म, मतलब कैसा इफेक्ट शो होगा, निगेटिव इफेक्ट शो होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा कैसा होता है आपका, रिमेन अनअफेक्टेड, है ना, कोई नो बेनिफिट नो हार्म, क्लियर, ना कोई नुकसान हुआ ना कुछ फायदा, न्यूट्रल मोड पे था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है ये, यस मैम, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। टू डेज का ये भी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस मैम। ठीक है, अब ये जो आपका एंटीबायोटिक था, मतलब ये आपका बना एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ तक करी कि फाइंड आउट किया कि कुछ एक ऐसे फंजाई हैं जो क्या कर रहे हैं, आपका पेनिसिलियम नोटेटम का एक स्ट्रेन है जो स्टाफिलोकोकस को रोक रहा है, ठीक है। ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी की गई, लेकिन आगे क्या हुआ, आपका जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आपके दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, जिन्होंने क्या किया था, इसको यूज किया था एज अ क्योर फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके वॉरियर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो भी घायल वॉरियर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनको क्या किया गया, इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए यहाँ पे इस पेनिसिलिन का यूज एज अ एंटीबायोटिक एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, लिख लो। तो वहां तक की रिसर्च तो उन्होंने किया, बाकी आगे की रिसर्च किसने किया, ड्रग बना दिया इसको, क्या बनाइए आपका, एज अ एंटीबायोटिक एस्टैब्लिश बाय दो साइंटिस्ट थे आपके, Hans Chain and Howard Florey,
ठीक है, ये आपके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसको यूज किया एज अ क्योर फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉरियर्स। ठीक है, जो लोग यहाँ पे घायल हो रहे थे उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया गया। अब काफी सारी ऐसी डिसीज होती है जो क्या की जाती है आपकी क्योर की जाती है बाय एंटीबायोटिक। क्योर बाय एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक्स से क्योर की जाएगी। कौन कौन सी आपके डिसीज है, प्लेग है, ठीक है, प्लेग है, ठीक, वूपिंग कफ है। तो प्लेग बेटा होता किससे, चलो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर लेते हैं, किससे होता होगा प्लेग, कैरियर है, माउथ कैरियर है, बैक्टीरिया से होगा, तभी तो एंटीबायोटिक वो कर रहे हैं ना, है सेंस ऑफ ह्यूमर ही फेल हो गया, लो लेप्रोजी। और क्या हो गया आपका, डिप्थीरिया, क्योंकि ये कुछ कॉमन आपका प्रॉब्लम्स है जिसमें हम किसका यूज करते हैं एज एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक डिराइव की गई है वो किस जीनस से की गई है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, किससे की गई है आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। मैक्सिमम एंटीबायोटिक फॉर्म जीनस, किस जीनस से लिया गया आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, क्लियर यहां तक सबको, क्लियर यहां तक, यस मैम। अभी आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे, नेक्स्ट आपका सब हेडिंग क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है, आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जो क्या करेंगे आपके, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, कोई भी एसिड, कोई भी एंजाइम्स, ठीक है। तो ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इज नोन एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब माइक्रोब्स का यूज करके काफी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। क्या किया जा रहा है यहाँ पे इस प्रोसेस में, यूज ऑफ माइक्रो टू प्रोड्यूस मैनिफोल्ड, ठीक है। ठीक है, काफी सारे अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चार्ट बना सब लोग करो, सबसे पहले आप नेम ऑफ एसिड लिखो, ठीक है, ये प्रोडक्ट है आपका नेम ऑफ एसिड, और ये याद भी करना है, ठीक है, ये सिर्फ लिखवा नहीं रही हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर इट, ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न इट। और नेम ऑफ माइक्रोब, नेक्स्ट क्या डालोगे हेडिंग कॉलम में, नेम ऑफ माइक्रोब, एसिड बन रहा है और किस माइक्रोब से बन रहा है और टाइप क्या है माइक्रोब का, तीन चीजें आपको लर्न करनी है, क्लियर है, ये तीन चीजें आप सभी को लर्न करनी है। एक तो कौन सा एसिड बन रहा है, नाम क्या है उस माइक्रोब का जिससे बन रहा है विद द हेल्प ऑफ, और उसका टाइप क्या है, ठीक है,
माइक्रोब का टाइप दैट मीन्स बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? क्लियर? तो पहला एसिड लिख लो आप, पहला एसिड लिख लो आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, पहला एसिड क्या है आपका? लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस माइक्रोब से मिलके बना होता है? तो लैक्टोबैसिलस, पढ़ा है अभी हमने, स्लाइड यहीं से शुरू की थी आज, लैक्टोबैसिलस, ठीक है क्या बेटा? ये एक लैक्टोबैसिलस है क्या? बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस है क्या आपका? इट इज द फोमो बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा होता है आपका ब्यूट्रिक एसिड। दूसरा क्या होता है आपका? ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये ब्यूट्रिक एसिड जो है वो किससे बनता है आपका? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम, ये भी क्या है बेटा? एक बैक्टीरिया है। ये भी है क्या आपका? एक होमो बैक्टीरिया है। दूसरा आपका आता है, सॉरी तीसरा आता है आपका एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड कॉमनली? बताओ कॉमनली क्या है ये एसिटिक एसिड? विनेगर। विनेगर, यस। एसिटोबैक्टर एसिटिक, ये भी किससे बन रहा है आपका? इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। फर्मेंटेड उसमें बनेगा कि नॉन फर्मेंटेड ये बता दो। फिर है आपका साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या है? एस्पर्जिलस नाइजर, ये क्या है बताओ? एस्पर्जिलस नाइजर, ठीक है। ये है क्या? बैक्टीरिया है? क्या है ये? फंगस है। क्या है ये आपका? फंगस है। इज इट क्लियर? बना लिया ये? यस मैम। डन, ठीक है। कल एक और क्लास रहेगी आपकी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे ही। यहाँ तक की चीजें समझ में आई? इट इज द फुल नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। अभी ये पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी जाके पढ़ना, तुमको एक एक लाइन क्लियर होगी एंड द क्वेश्चन इज अराइजिंग फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें सफिशियंट है, बट इन चीजों को स्किप करने की भी कोशिश मत करना, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे नहीं तुमको करना है, पढ़ना है, बट इसको स्किप भी मत करना, अदरवाइज इट विल बी हार्म यू, कि आपके जो मार्क्स है ना उस पर सीधे असर पड़ता है। तो हर यूनिट को बढ़िया अच्छे से लेके चलना है, जो इजी वाले हैं उनको और ज्यादा अच्छे से लेके चलो और कोशिश करो कि अभी ही तैयार करते जाओ, ठीक है। वरना इसको बाद के लिए मत रखना, क्योंकि जो मेन यूनिट होती है आपका एकदम जब एग्जाम टाइम पास आ जाता है तो उसके रिविजन में टाइम जाता है। इसको एक बार में ऐसे तैयार करो कि बस ये तैयार हो जाए, ठीक है, एक बार देखा और हो गया, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है इसको, इट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। क्लियर? ऑफ कर दूँ क्लास? यस मैम। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ।